नमस्कार छात्र छात्री सकल आज तुम लोग आगले मैं मध्यजुगर पाठटी एटी उपपाठ आहोम राज्यर द्वितीय खंड तो आगे तुम लोग भलदरे भिडिओ निरीक्षण करा आरो निरीक्षण जुगे तुम लोग भलदरे पाठ तो आयत्त करा आरो याके कोई मैं मोर आज पाठदान कार्यसूची आरम्भ पाठ मध्यजुगर उपपाठ आहोम राज्य द्वितीय खंड षोल्लश तीन ख्रीष्टाब्दर पर षोल्लश तेहत्तर ख्रीष्टाब्द समयसवा आहोम बुरंजी संकटकाल क्या है यह समयसवा आहोम मोगलर दीघलिया संघर्ष संघटित सप्तदश स्वर्गदेव प्रताप सिंहर दिन आरम्भ हुआ यह संघर्ष उदयादित्य सिंहर दिन समाप्त षोल्लश बाषष्टि ख्रीष्टाब्दत मोगल सम्राटर निर्देश बंगर नवाब मीर जुमलाय आक्रमण कर मीर जुमलार हाथ आहोम स्वर्गदेव जयधव सिंहर पराजय और मीर जुमलाय आहोम राजधानी गड़गाव दखल कर षोल्लश तेषष्टि ख्रीष्टाब्दत हुआ सन्धि अनुजाई ब्रह्मपुत्र उत्तर पारे भराली और दक्षिणे कलंग नई आहोम राज्यर सीमा निर्धारण करा और बहुत करकटाल विनिमय यह सन्धि समापन करा मीर जुमलार लगत अहा लिखक सिहाबुद्दीन तालिसे समयर अखम देश अखमिया समाज और आदिवासीसकलर विषय मूल्यवान टुका लिखि थ गई चक्रधर सिंह परवर्ती स्वर्गदेव आहोम स्वर्गदेव निर्वाचित तथा कर दिया निदियाक पुनर मोगलर लगत आहोम संघर्ष मोगल सम्राटे एबार राम सिंहक आक्रमणर दायित्व दिछिल षोल्लश एकहत्तर ख्रीष्टाब्दत विख्यात हरायगाधर युद्ध संघटित युद्ध लाचिते राम सिंहक परास्त करिसिल आरु अहोमर मान जख गौरव उद्धार करा हैछिल षोल्लश तेहत्तर ख्रीष्टाब्दर पर षोल्लश एकाशी ख्रीष्टाब्द एघार बसर अहोम बुरंजीर विप्लवर जुग क्षमतालोभी स्वार्थपर उच्च विषयासकलर खरजंतर फलत आहोम राज्यर भेटी थरक बरक हुई पड़िसिल षोल्लश एकाशी ख्रीष्टाब्दत गदाधर सिंह सिंहासन आरोहणर जुगे ये सकलो खरजंतर समाप्ति घटिसिल षोल्लश बियाशी ख्रीष्टाब्दत गदाधर राजत्वकालते इटाखोलीत आहोम और मोगलर अंतिम युद्ध हुईसिल युद्धर फलत मानाह नई आहोम राज्यर पश्चिम सीमान निर्धारित गदाधर सिंहर पुत्र रुद्र सिंह आसिल आहोम सकलर श्रेष्ठ रजा कसारी आरु जयंतिया सकलर विद्रोह दमनत रुद्र सिंह बेसिभाग समय व्यस्त थाकिबलगिया हुईसिल प्रजार मंगलर बाबे रुद्र सिंह बहुतो कल्याणमूलक काम संघटित करिसिल रुद्र सिंहर विदेशी शासकर आक्रमणर पड़ा अखम रक्षा करार आसनी ग्रहण स्वरूपे अखमर सरूपर राज्यर लगत एकेलग होई पश्चिम सीमांत पुनर करतुया नदीलै सम्प्रसारण करार परिकल्पना करिसिल किन्तु हठात नरियात पड़ि सोतरश चौध ख्रीष्टाब्दत रुद्र सिंहर मृत्यु हुआत तेओर एई परिकल्पना इमानते अंत पड़े रुद्र सिंहर पाछत शिवसिंह स्वर्गदेव निर्वाचित है और स्वर्गदेव शिवसिंह रानी फुलेश्वरी कुंवरीक बररजा हिसाबे राज्य शासनर दायित्व दिए फुलेश्वरी कुंवरी राजत्वकालत स्वर्गदेव क्रमगतभावे हिंदू धर्मर शाक्त पंथार प्रति आकर्षित है सोतरश उनहत्तर ख्रीष्टाब्दत स्वर्गदेव लक्ष्मी सिंहर दिनर पर आहोम सकलर पतन आरम्भ है
পৰৱৰ্তী স্বৰ্গদেউসকলৰ ঘৰুৱা কণ্ডল, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ, দণ্ডুৱা দ্ৰোহ, মানৰ আক্ৰমণ আদিৰ ফলত আহোম ৰাজ্য দুৰ্বল হৈ পৰে। 1826 খ্ৰীষ্টাব্দত হোৱা য়াণ্ডাবু সন্ধি ফলস্বৰূপে আহোম ৰাজ্য ব্ৰিটিছৰ অধীন হয় আৰু 600 বছৰীয়া গৌৰৱজ্বল আহোম শাসনৰ অন্ত পৰে। এতিয়া আহিছোঁ আমি বিভিন্ন সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজত্বকালত বিভিন্ন ঠাইত পতা ৰাজধানীসমূহৰ বিষয়ে জনাবলৈ। আহোম স্বৰ্গদেউ ৰাজধানী চুকাফা, ৰাজধানী চৰাইদেউ, চুদাংফা বা পামনি কোঁৱৰ ৰাজধানী চৰগুৱা, চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা ৰাজধানী বকতা, চুকলেংমুং বা গড়গঞা ৰজা ৰাজধানী গড়গাঁও, ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজধানী ৰংপুৰ আৰু শেষত গৌৰীনাথ সিংহ ৰাজধানী যোৰহাটত স্থাপন কৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিতে আজি এই ভিডিঅ' ক্লাছৰ সমাপ্তি হৈছে। এই ভিডিঅ' ক্লাছৰ যোগেদি তোমালোকৰ আগলৈ মই মধ্যযুগৰ অসম পাঠটিৰ উপপাঠ আহোম ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় খণ্ড আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ' ক্লাছৰ যোগেদি ভালদৰে পাঠটো আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তোমালোকৰ আগলৈ আন এটা পাঠ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি মোৰ এই পাঠদান কাৰ্যসূচী ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।